दोस्तों हिंदू धर्म में बहुत सारी चीज़ों को लेकर प्राचीन मान्यताएं हैं जो आज भी चली आ रही हैं। कुछ मान्यताएं पशु पक्षियों से जुड़ी हुई हैं, जिसमें दोस्तों आज हम बात करेंगे कबूतर को लेकर। दोस्तों कई लोगों का मत है कि कबूतर घर में आता है और घोंसला बनाता है तो वह दुर्भाग्य का प्रतीक है, लेकिन कई लोग इसके विपरीत सोचते हैं। उनका मानना है कि कबूतर का घर में आना शुभ होता है। हालांकि दोस्तों कबूतर एक बहुत सुंदर पक्षी है और इसे दाना खिलाना हर व्यक्ति को पसंद होता है, लेकिन कबूतर जब भी घर में आता है तो उसकी बीट से बहुत गंदगी होती है। दोस्तों आपके मन में भी कबूतर का घर में आना और उसका घोंसला बनाना इस विषय को लेकर कंफ्यूजन होगा, तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं और जानते हैं कि आखिर कबूतर का आना शुभ होता है या अशुभ। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात, घर में घोंसला बनाने से सुख समृद्धि आती है। जी हाँ दोस्तों, मान्यता के अनुसार कबूतर को माँ लक्ष्मी का भक्त माना जाता है। कई लोग घर में कबूतर का आना शुभ मानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि घर में कबूतर घोंसला बना ले तो परिवार में सुख समृद्धि आने लगती है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि कबूतर का आना अशुभ होता है। अगर आपके घर की बालकनी या छत पर कबूतर ने अपना घर बनाया है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। इससे घर में परेशानियां बढ़ने लगती हैं और परिवार के सदस्य की प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है। दोस्तों अगला पॉइंट है, कबूतर को दाना छत पर नहीं आंगन में डालना चाहिए। कबूतर को दाना खिलाना पुण्य का काम माना जाता है। शास्त्रों में कबूतर को शांति का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि पक्षी को दाना खिलाने से गृह दोष दूर होते हैं। हालांकि दोस्तों ये भी उल्लेख मिलता है कि कबूतर को कभी भी घर की छत पर दाना नहीं डालना चाहिए। जब भी कबूतर को दाना खिलाएं, घर के आंगन में ही डालें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से बुध और राहु ग्रह के दोष समाप्त होते हैं। और दोस्तों सबसे लास्ट पॉइंट है, बुध की स्थिति ठीक होती है। कबूतर को दाना खिलाने से माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है, साथ ही घर के सदस्यों को कोई बीमारी नहीं होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिसकी वजह से पारिवारिक कलह नहीं होती है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध कमजोर है तो उसे कबूतर को दाना जरूर डालना चाहिए। इसके अलावा जिन व्यक्तियों का गुरु कमजोर है उन्हें कबूतर को पिंजरे से आज़ाद कर देना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। वीडियो में दी गई जानकारी सूचनाओं पर आधारित है। दोस्तों ये चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। इसे अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क अवश्य करें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।